हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके गार्डन इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया है CCl4 के बारे में। बेसिकली हम लोग का पॉली हैलोजन कंपाउंड चल रहा था, जैसा कि आपको पता है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखे, जैसे कि क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है। पिछली क्लास में हमने बात की थी CCl4 पे। CCl4 का फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा था एंड मेरे पास प्रिपरेशन कैसे होता है उसके यूजेस के बारे में बात किए थे। एक बहुत ही अच्छा यूज़ हम देखे थे एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन आजकल इसका यूज़ नहीं होता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। अब देखिए, आज का लेक्चर जो है, आज हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बस एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास बचेगा, जो कि मेरे पास है, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स थे ना, एक एक करके सभी टॉपिक्स हम लोग के कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ हमारे पास और हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, जैसे कि हम बात कर सकते हैं फ्रियोन पे, है ना, DDT पे, BHC पे। तो आज अपन लोग का ये कम्प्लीटली पॉली हैलोजन कंपाउंड, ठीक है, अपने लेवल पे ख़त्म होता है। अगेन, है ना, इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर UP बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर ICSE के लिए भी, ठीक है ना। क्योंकि पहले के टाइम में क्या था ना, कि UP बोर्ड और ICSE का सिलेबस सेम ही था। अभी तो भाई सब डिफरेंट हो रहा है, CBSE का अलग हो गया, और अभी तो न्यू एजुकेशन सिस्टम भी आ गया है, तो और भी डिफरेंट होने वाला है ना, या फिर हो ही गया है, आप समझिए, ठीक। तो फिलहाल पढ़ने के लिए तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ते हुए चल रहे हैं। यूजर्स की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और देखते हैं कि सर क्या कहानी है, है ना। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रेयॉन का नाम लिया था, ठीक है। फ्रेयॉन एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा था इन AC में। AC में जो अपन लोग को ठंडा करती है, जो गैस ठंडी करती है, बेसिकली फ्रेयॉन गैस का यूज़ करते थे अपन लोग, है ना। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं, ठीक है ना? क्यों नहीं करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग आज, ठीक है ना। तो आज हम लोग का जो नेक्स्ट कंपाउंड है, जिसका नाम है, ना, डाईक्लोरो, हम बोलते हैं डाईक्लोरो, डाईफ्लोरो, ठीक है, मीथेन, ठीक है, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, मतलब कि CCl2F2, CCl2F2, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेयॉन, फ्रेयॉन 12, इसका एक अनदर नेम है जिसे हम बोलते हैं फ्रेयॉन 12, है ना। यहाँ पे दिख रहा है, ये भी मेरे पास एक पॉली हैलोजन कंपाउंड है, है ना, जैसे कि दो Cl2 लगा है एंड दो F2 लगा है, ठीक है ना। वही सारी बातें, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन, ठीक है ना। अब बेसिकली प्रिपरेशन इसका क्या है ना, केमिकल प्रॉपर्टी है CCl4 की। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि CCl4 की एक और केमिकल प्रॉपर्टी है, जहाँ से मुझे फ्रेयॉन गैस मिलता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, है ना। तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली होता क्या है ना, जब CCl4 की रिएक्शन, दो टाइप की रिएक्शन है, है ना, ड्राई HF मेरे पास गैस है, गैस के साथ रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ SB, ठीक है, SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे काम करता है, एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, बन जाता है CCl2F2 एंड यहाँ से इस तरीके से HCl निकल गया। तो ये बन गया सर मेरे पास फ्रेयॉन, फ्रेयॉन 12, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो, ठीक है ना, फ्लोरो मीथेन, ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये CCl4 के केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि CCl4 भाई साहब HF के साथ रिएक्शन करके, बेसिकली ड्राई गैस होता ही है, मेरे पास फ्रेयॉन गैस देता है, है ना, ये चीज़। इसका एक और मेथड है जो कि हम देख रहे हैं, CCl4 की रिएक्शन होती है बेसिकली मेरे पास SbF3 के साथ, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ, एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड, ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले भी एक चीज़ बात कर चुका हूँ कि हो सकता है कि, देखिए, सारा ध्यान क्या होता है ना रिएक्शंस को लिखने में,
एंड चीज़ों को समझाने में एंड बताने में। तो बेसिकली जब मैं नाम लिख रहा होता हूँ ना, तो मेरे मन में इनकी स्पेलिंग्स नहीं चल रही होती है ना। वो लगातार एक माइंड को पता है कि क्या लिखना है, ठीक है, तो उस फ्लो में हम लोग लिख देते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कहीं पर एल ना लगा हो, कहीं पर ई ना लगा हो। जैसे कि पिछली क्लासों में आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने इनसॉल्युबल बोला और इनसॉल्युबल लिखा है ना, माइंड में इनसॉल्युबल ही चल रहा है, लेकिन आई एन एन लिखना भूल गया। कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, कहीं पर ओ नहीं था है ना, कहीं पर यू नहीं लगाया। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो है ना, ये सब चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो। अगर मैं कहीं पर स्पेलिंग गलत लिखता हूँ तो उसे आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है, इतना तो आप लोग समझदार हो ही। तो फिलहाल क्या हुआ कि CCl4 की रिएक्शन हुई एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ है ना, एंड यहाँ पर भी यूज़ हुआ SbCl5 एज ए कैटलिस्ट है ना, एंड क्या कांड हो गया, बन गया मेरे पास CCl2F2 एंड यहाँ से बनता मेरे पास SbCl3। ये चीज़ SbCl3 है ना, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, ये बन गया मेरे पास फ्रेयॉन 12, ठीक है। तो दिस इज़ अ मेथड है ना, ये मेरे पास मेथड है जिससे कि अपन लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रेयॉन 12, एंड ऑल्सो इट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ CCl4, ठीक है ना। लिख लिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं सर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस की है ना। बेसिकली यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, इनकम्प्लीट रिएक्शन देगी है ना, हो सकता है कि ये दिया हो CCl2HF, ये स्पेस ब्लैंक हो एंड देन मेरे पास HCl लिखा हो। तो यहाँ से ना मेरे पास इनकम्प्लीट रिएक्शंस आती है, जहाँ पे आपको रिएक्शन को कम्प्लीट करना पड़ेगा है ना। हम बात करते हैं सर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजर्स की। बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर मेरे पास क्या है कि CCl2F2 गैस है ना। हम देखें तो हम देखते हैं कि सर इट इज़ ईज़िली लिक्विफिएबल गैस, आसानी से लिक्विफाई हो जाती है ना। लिक्विफिकेशन पढ़ चुके हैं अपन लोग 11th क्लास में, स्टेट ऑफ मैटर में या फिर गैसेज स्टेट में, आपको पता हो कि जैसे जैसे अपन लोग है ना प्रेशर इंक्रीज़ करते जाए, टेम्परेचर को कम करते जाए, तो गैस लिक्विफाई होती है ना, मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन लोग। तो ये आसानी से ईजिली लिक्विफिएबल है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं, इट इज़ केमिकली इनर्ट, बेसिकली केमिकली इनर्ट है, जल्दी रिएक्शंस नहीं करता है, ठीक है। एंड ये सबसे ख़तरनाक यूज़, इट कॉजेस है ना ओजोन लेयर टू डीके है ना। बेसिकली यही कांड हो जा रहा है। फ्रेयॉन गैस का अपन लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज अ रेफ्रिजरेंट, पहले बात कर चुके हैं अपन लोग एसी में। तो मान लीजिए एसी चल रही है, तो वहाँ से फ्रेयॉन गैस भी निकल रही है ना, एंड फ्रेयॉन गैस क्या कर रहा है ना, ओजोन लेयर को डिके कर रहा है, ओजोन लेयर को क्षय कर रहा है, मतलब कि ओजोन लेयर को हटाता जा रहा है ना। तो इस वजह से ही ना आजकल फ्रेयॉन गैस का यूज़ होना बंद हो गया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर का ये डिके करता है ना। यूज़ की हम बात करें तो हम देख रहे हैं इसका मेजर यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन एसी है ना। बेसिकली एसी में अपन लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। और भी यूज़ मेरे पास है, जैसे कि एरोसॉल्स में यूज़ करते हैं अपन लोग है ना एज अ प्रोपेलेंट। तो उसकी बात, तो ये मेरे पास हो गया दो चार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजर्स। बेसिकली मेरे पास इसके लिए ना ये रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है, दो ही रिएक्शन, ज़्यादा इसमें बातें अपन लोग करनी नहीं है, ये रिएक्शन एंड मेरे पास कुछ यूजर्स प्रॉपर्टीज आपको पता हो तो सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो अपना नेक्स्ट कंपाउंड है, जिसे हम बोल रहे हैं DDT, ठीक है। इसको हम बोलते हैं है ना डाइफेनिल है ना ट्राइक्लोरोइथेन, बेसिकली नाम है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन
ठीक है, इसका आयुपैक नेम है ना, अभी हम लिखते हैं आगे चल के, 2.2 बिस पैरा क्लोरोफेनिल 1.1.1 ट्राई क्लोरो इथेन। अभी जब मैं कंपाउंड का नाम लिखूंगा तो नेम याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप देखो ज़रा, इसे हम बोलते हैं DDT, है ना, ये चीज़। बेसिकली DDT ना एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इतना लिखो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कहानी है। बेसिकली ये जो एरा है ना DDT और BHC वाला, ये फुल मेरे पास ऑफर्ड है कीड़े मकोड़ों के लिए, मक्खी मच्छर इन सबको मारने के लिए, है ना। तो पहले आप इतना लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इतना लिख लिया तो हम देखते हैं कि सर DDT में क्या चीज़ें हैं। रिएक्शन की बात करें ना, बेसिकली यहाँ पे मैकेनिज्म भी अपने पास है माइंड में, लेकिन मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत अपन लोग को है नहीं, है ना। हम लोग डिब्बा केमिस्ट्री यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन आती है, ठीक है। अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आ सकता है, पूरे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में से ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये DDT एंड BHC जो इसके बाद पढ़ने वाले हैं, एंड क्लोरोफॉर्म। ज़्यादातर चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। होता क्या है, मेरे पास रिएक्शन होती है ना सर क्लोरल से, बेसिकली CCl3CHO, ये लिखा है मेरे पास क्लोरल, ठीक है, पढ़ चुके हैं ये हम। क्लोरल की रिएक्शन होती है सर मेरे पास क्लोरोबेंजीन के साथ। आप देखो H हर जगह लगा, इस H को अपन लोग शो कर रहे हैं जानबूझ के, एंड मेरे पास इस तरीके से आप देखो Cl, ठीक है। रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। मैकेनिज्म में इसका यूज़ होता है, ठीक है, फिलहाल अपने लिए क्या है ना, हम लोग ये यूज़ करते हैं इस तरीके से। यहाँ से आप H2O निकाल दो, ठीक है, एंड क्या बन जाएगा सर, देखो आप CCl3CH देख रहे हैं, एंड इस बॉन्ड से ना डायरेक्ट आप लोग ना रिंग लगा दो क्लोरोबेंजीन वाली, ये चीज़, एंड अवर ये बन गया Cl, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलते हैं ना डाई क्लोरो, ठीक है, डाई फेनिल ट्राई क्लोरो, ठीक है, एंड एथेन, ठीक है, ये नाम, एंड इसका आयुपैक नेम लिखते हैं अपन लोग। देखिए 1, 2, 2 पे है, 2.2 साइड चेन के अंदर साइड चेन है, तो हम लिखते हैं बिस, ठीक है, एंड ये जो मेरे पास है पैरा क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोफेनिल, बेसिकली इसका नाम है पैरा क्लोरोफेनिल, है ना। बेसिकली साइड चेन के अंदर साइड चेन है, और जब भी बेंजीन नहीं आ जाए साइड चेन यूज़ होती है तो उसका नाम फेनिल होता है, ये बात हम जानते हैं। सो 2.2 है ना, और बिस आपको पता होगा पैरा क्लोरोफेनिल, ठीक है, एंड अवर देखिए 1 पे क्या लगा है, 1.1.1 ट्राई क्लोरो, ठीक है, एंड मैथ से क्या हो जाएगा इथेन, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है ना। बेसिकली बीस हम यूज़ करते हैं अगर साइड चेन कॉम्प्लेक्स होती है, साइड चेन के अंदर भी साइड चेन होती है, ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है ना, इथेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, क्या चीज़, ये मैं ब्रैकेट लिखता हूँ शो करने के लिए कैमरे में, है ना। तो क्या करना है, क्लोरल की रिएक्शन होगी क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, है ना, एंड मेरे पास बन जाएगा DDT, शॉर्ट में बोलते हैं हम DDT। क्वेश्चन ऐसे आता है कि DDT का आप कंप्लीट नेम लिखो, एंड साथ ही साथ DDT कैसे बनाओगे आप वो चीज़ लिखो,
ठीक है, तो अपन लोग को इतना काम करना होता है बस। एक आध दो यूजेस प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे अच्छा देखो इसका यूज़ क्या है ना, कि ये एज अ एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल, हम बोले कि इट इज़ अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड। तो जितने भी मेरे पास, या फिर पेस्ट्स, PEST, पेस्ट नाम सुना होगा, जैसे कि खेत खलिहान में जो मेरे पास कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छर मक्खियाँ जो घूमते रहते हैं, फिलहाल उन सभी को मारने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो हम बात कर सकते हैं बीज की, है ना, मॉस्किटोज की, मॉथ्स की, पेस्ट की, अगर आपको है ना मीनिंग्स याद हो कीड़े मकोड़ों की, जितने भी हमारे पास आते हैं कीट आते हैं। ठंडियों के मौसम में आपने देखा होगा, खेत में आपने देखा होगा, कई सारे कीड़े होते हैं जो कि फसल ख़राब कर देते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को मारने के लिए अपन लोग इसका यूज़ करते हैं, है ना। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली मेरे पास यहाँ से एक पंगा हो जाता है। अब इसका भी इतना यूज़ नहीं होता है आजकल, इतना यूज़ करना इसका बंद कर दिया गया है ना। इसका भी एक रीज़न है, उसकी हम बात करते हैं अभी। तो फिलहाल आप इतना लिखो पहले, ठीक, इतना लिख लिया। तो हम देखते हैं सभी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। प्रॉपर्टी की बात करें ना, तो इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, इट इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वाटर में कैसा इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। इट इज़ अ पावरफुल, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। इट इज़ अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड, सो इट इज़ यूज्ड एज, अच्छा एक पॉइंट और है, इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। बेसिकली बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है ना, जो कंपाउंड्स जैसे नेचर के साथ है ना कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास पॉलीथीन होती है, उसको अगर अपन लोग ऐसे खुलेआम छोड़ दें, फेंक दें, है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो नेचर के साथ मिलकर उसमें कंज्यूम हो जाएगी, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, है ना। ये तो बात हम जानते हैं शक्तिमान के टाइम से। शक्तिमान आपने देखा होगा, एक पन्नी वाला आदमी आता है जिसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल अगर अपन लोग बात करें जैसे कि सब्जियाँ होती हैं, या फिर और भी जो मेरे पास क्या बात कर सकते हैं, प्लास्टिक को छोड़कर जो और चीज़ें हैं ना, जैसे कि कागज़ हो गया, उसको अगर अपन लोग ऐसे फेंक देंगे तो क्या होगा, वो नेचर में घुल मिल जाएगा एंड नेचर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा कम्प्लीटली, है ना। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, जो कि प्लास्टिक वाली कैटेगरी आती है हमारे पास, पॉलीथीन वगैरह आता है ना, पॉलीमर में इसको अपन लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल। अब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसका मतलब कि नेचर के लिए हानिकारक है, नेचर में डीके नहीं होता है इसका, नेचर में ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये क्या है, हानिकारक है अपने नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, है ना। तो इट इज़ अ नॉट बायोडिग्रेडेबल, इट इज़ यूज्ड टू किल मॉथ्स, मॉथ्स वही कीड़ों के नाम होते हैं, पेस्ट जो खेत खलिहान में होते हैं कीड़े मकोड़े, उन सबको मॉस्क्यूटो जैसे बीज, है ना, मक्खी उक्खी वगैरह, ETC, ये चीज़। तो ये इसका मेजर यूज़ है, ठीक है ना। और इसका यूज़ आजकल करना बंद हो गया, क्यों, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नेचर के लिए हानिकारक है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक। अच्छा, इसी के ख़ानदान का एक और बंदा है जिसे हम बोलते हैं BHC, लेकिन BHC में ये फ़ायदा है ना कि BHC बायोडिग्रेडेबल है ना। BHC मेरे पास इससे अच्छा है, इससे सुपीरियर है,
एंड ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इफेक्टिव है। तो DDT की जगह ना अपन लोग BHC यूज़ करना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड अपन लोग देख रहे हैं जिसका नाम है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फॉर्मूला होता है इसका C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो अ पॉली हेलोजन कंपाउंड एंड इट इज़ ऑल्सो अ गुड पेस्टिसाइड। जैसे ये था ना इंसेक्टिसाइड, वैसे ये अच्छा एक पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड मतलब वही खेत में जो होते हैं कीड़े मकोड़े उनको मारने के लिए, है ना। बेसिकली दोनों का ना यूज सेम ही है, बस ये है कि BHC इससे सुपीरियर है ना, एंड इससे DDT के कंपेरिजन में अच्छा है हर मामलों में। इस वजह से ना BHC का यूज़ ज़्यादा किया जाता है आजकल। अच्छा, इसके अजीब अजीब नाम होते हैं, जरा उसको हम देख लें एक बार। आप देखना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, है ना, 666। इसकी हम बात करें ना, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज 666, 666 भी कहते हैं। एंड इसका एक और नाम है लिंडेन, एंड ऑल्सो नेम एज लिंडेन बोलो, 666 बोलो, BHC बोलो। एंड इसका एक और नाम है गमक्सीन वाला नाम इसका ना कमर्शियल नेम है, बहुत ज़्यादा नाम इसका आप सुने होंगे। ये इसका मार्केट नेम है गमक्सीन। ये वर्ड आप लोग, है ना, सुने होंगे गांव में अपने। कभी आप लोग गांव गए हो तो आप देखे होंगे कि जो दादी माँ होती हैं एक पन्नी लेकर आती हैं, उसमें वाइट पाउडर जैसा कुछ होता है। मैंने गाँव में देखा है कि बहुत ज़्यादा घरों में मेरे पास मधुमक्खी लग जाते हैं, वो पीले वाले जो बीस होते हैं, है ना, उनका छत्ता बन जाता है। तो बेसिकली उनको मारने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, गमक्सीन लेकर ऐसे मुँह में डाल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वही है गमक्सीन आपने वर्ड सुना ही होगा। ठीक है, तो गमक्सीन के नाम से भी जान रहे हैं हम इसे, है ना, लिंडेन के नाम से भी जान रहे हैं इसे, एंड 666 के नाम से भी जानते हैं क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है 666। ठीक है, अपना लास्ट टॉपिक है, फिर कहानी ख़त्म। बेसिकली होता क्या है ना, मेरे पास बेंजीन की रिएक्शन ये है कैरोमेटिक कंपाउंड की, बेंजीन की रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ, है ना, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जो एच लगे हैं ना यहाँ पे सारे HCl से रिप्लेस हो जाते हैं, एंड इस तरीके से मेरे पास हर कार्बन पे एक Cl लग जाता है। यहाँ पे Cl, ठीक है, इधर भी Cl, यहाँ भी Cl, एंड इधर भी Cl अपना। ठीक, तो ये बन जाता है BHC, ऑल्सो नोन एज लिंडेन, एंड इट्स कमर्शियल नेम इज़ गमक्सीन। ठीक है ना, गमक्सीन, है ना, एंड इट्स IUPAC नेम इज़, जैसे आप देखो 1.1.1.1 दिख रहा है, 6 टाइम है 1.1.1, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1.1.1.2.3.4.5.6 तो 1.1.1.1 ऐसे करके, है ना, मेरे पास क्या है हेक्सा हो जाएगा, 6 टाइम है ना, हेक्स क्लोरो होगा ना, हेक्सा थोड़ी ना होगा, है ना। आपको पता ना डाई ट्राई टेट्रा एंड पेंटा यूज़ करते हैं, है ना, हेक्सा ही होगा। ठीक है ना, हेक्सा क्लोरो। ठीक है, एंड ये अवर साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसका हो गया IUPAC नेमिंग। ठीक है, ये चीज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, एंड ऑल्सो नोन एज BHC लिंडेन गमक्सेन, है ना, एंड ऑल्सो 666, सब इसी के नाम है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें यूजेस की, है ना, सो इट इज़ ऑल्सो
यूज़ फॉर, इट इज यूज टू किल, ठीक है। सेम वही कहानी जैसे कि मॉथ्स, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटोस है ना, बीस, पेस्ट, वही सब चीज़ें है ना। इट इज़ सुपीरियर देन डीडीटी। डीडीटी से हर मामले में अच्छा है ना। एंड इट इज़ अ पावरफुल, अब शायद नीचे जा रही है ना, इट इज़ अ पावरफुल पेस्टिसाइड है ना, पेस्टिसाइड। ये कहानी ख़त्म, ठीक है। सो आज हमने देखा फ्रियोन 12 के बारे में, फ्रियोन 12 कैसे बन रहा है, एंड हमने बात की कि ओजोन लेयर का डीके होता है उसकी वजह से, तो उसका यूज़ करना बंद कर दिया गया हम लोगों ने, ठीक है। डीडीटी की हम लोगों ने बात की है ना, एंड देन आवर लास्ट इज आवर BHC, ठीक है, गमॉक्सिन। सेम यूज़ है डीडीटी वाला ही, बस डीडीटी से ये काफ़ी अच्छा है, हर मामले में अच्छा है। बेसिकली इसमें और भी डिटेल है, उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अपने को तो ये रिएक्शन आएगी, बेसिकली एक इनकम्प्लीट रिएक्शन आएगी है ना। एंड इस तरीके से मेरे पास आप देखो तो जैसे HCl निकला भी यहाँ पे है, H और Cl के साथ HCl निकल गया है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कितने Cl मेरे पास है, 6 ना, 6 HCl, ठीक है। तो अपन लोगों को ये रिएक्शन याद होने चाहिए, ऐसे इसके अलग अलग नेम्स हैं ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो ऑफिशियली अपना ओवरऑल चैप्टर ख़त्म होता है, एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसका नाम है, ठीक है। तो ये अपना ये लास्ट टॉपिक हुआ। अब इसके बाद जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है, न्यूक्लियोफिलिक स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फिर अपन लोग का चैप्टर कंप्लीट ख़त्म, एंड कुछ अपन लोग क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेंगे, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था, अगर आप बार बार देखो तो वन अलग अलग पोजिशंस है ना, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब सही है ये, ठीक है, ये चीज़। अब हेक्सा क्लोरो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये चीज़। तो बेसिकली आईयूपीएसी नेम थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।